हेलो यूपीएससी वाला में आप लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज टीचर डे है। टीचर डे के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टीचर डे क्यों मनाया जाता है। तो आज उसके बारे में हम जानते हैं कि 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाया जाता है। टीचर डे की अगर हम इतिहास की बात करें तो पहले 60 के दशक में टीचर डे मनाया जाता था। इसके बाद हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तारीख के पीछे विशेष कारण है कि इसी दिन 1888 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। उनकी गिनती भारत के महान शिक्षक और प्रख्यात विद्वान में होती थी। और अभी पहला बताएंगे कि हमारे जीवन में सबसे पहले जो टीचर है वो हमारी माँ है। तो हमारी माँ है, माँ ऐसी है कि हमको हर चीज़ का ज्ञान कराए। अगर टीचर अगर माँ शिक्षित हो तो हर बच्चा शिक्षित होगा। तो आज हम उसके बारे में जानते हैं कि टीचर ज़िंदगी में पहले टीचर कौन होती है। माँ होती है और वो अपने बच्चे को कभी भी शिक्षा से दूर नहीं करती है। दुनिया में सबसे अच्छा कौन होता है? माँ होता है। और दुनिया में सबसे अच्छी अलार्म कौन सी होती है? माँ की होती है। कि अगर आप सुबह बोलो कि अगर मुझे 6 बजे उठाओ तो माँ ऐसी है कि आपको 5 बजे उठा के बोलेगी 7 बज गया है। और माँ ऐसी है कि आपको दुनिया में माँ आपको 9 महीने पहले से ही आपको जानती है। और कभी आपने सुना है कि माँ हमेशा कमर पर क्यों रखती है बच्चे को? इसलिए रखती है कि हमारा जहाँ तक नज़र है वहाँ तक हमारे बच्चे भी देख पाए। अब कभी आपने ये सोचा है कि हमारे पिता हमें कंधे पे क्यों बैठाते हैं? उनका कहना ये है कि अगर हम जहाँ तक देख सकते हैं उसके ऊपर भी हमारा लड़का या हमारा बच्चा वो देख पाए। अब बात करते हैं ओमान, अभी हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करते हैं। डॉक्टर दया शर्मा है कौन? ये हमारे भारत के विश्व ये जो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है वो क्या कहते हैं, वो वहाँ पे ओमान गए थे, यानी कोई प्रेसिडेंट थे उस समय, 9th प्रेसिडेंट थे। और वो कहाँ गए थे? वो ओमान के दौरे पे गए थे, यानी वो प्रेसिडेंट थे, वो आधिकारिक दौरे पे कहाँ पे गए थे? ओमान पे। और वहाँ पे जब वो लैंड किए, लैंड का मतलब जब वहाँ पे ओमान में जब पहुँचे तब उसी समय रिसीव करने के लिए वहाँ के राजा आए। लेकिन वहाँ पे ऐसा रूल है कि वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो ये प्रोटोकॉल को तोड़ दिया था। ऐसा नहीं, उसने ऐसा भी किया था कि यानी कि नीचे तक नहीं, वो हमें वहाँ पे जाके उनके पास सीट के पास जाके उनको डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को लेके आए थे। और उनका ये कहना था कि हमारे प्रेसिडेंट नहीं, यानी हमारे गुरु हैं ये, उनका ये कहना था। और वो ऐसा भी किया थी, यानी अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को छोड़ के यानी खुद से वो गाड़ी चलाई। और इतने खास और डॉक्टर शंकर इतने खास थे कि यानी वो उसने उसके लिए अपना प्रोटोकॉल भी तोड़ दिया। ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं भारत में पढ़ाई करता था तो पूरे दिन यानी कहाँ करते थे पढ़ाई, सवाल तो ऐसा भी उठना चाहिए, तो वो पुणे में करते थे। और वहाँ पे उस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्या थे, वहाँ के प्रोफेसर थे। और वहाँ पे उनको बहुत इज्जत करते थे। जब वहाँ जितने भी वहाँ पे प्रोफेसर यानी जितने भी भारत में पढ़ के गए हैं वो दुनिया में बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे पहुँचे हैं। और ये बात भी बोले हैं कि हम प्रेसिडेंट की इतना मैं प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं करता जितना मैं आज मैं टीचर की कहता हूँ। आज हम गिलहरी की बात बताते हैं कि जब रामायण की बात है, रामायण में ऐसा था कि जब राम सेतु बनाने के लिए जब सब पत्थर उठा रहे थे उसी समय पे गिलहरी आई। ये देखो गिलहरी वहाँ पे वो भी पत्थर उठाना चालू कर दी।
उसी समय एक बंदर आया, उसको उठा के फेंक दिया, लेकिन वो जहाँ फेंका वो डायरेक्ट वो कृष्ण राम भगवान के पैर पे आके गिरा, और फिर राम भगवान उसको उठाए, श्री राम जी उनको उठाए, फिर उसके बाद वो बंदर को बुलाए, और जैसे ही बंदर आया फिर उसको समझाने लगे कि जितनी आपकी आप बड़े हो तो आप बड़े चीज़ उठा पाते हो, और ये छोटा है ये अपने हिसाब से ये छोटा है चीज़ उठा पा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर हम कामयाब होना होना चाहते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम कितने घंटे पढ़े हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने सिर्फ टारगेट पे ध्यान दे सकें। और अगर अब इसमें ऐसा भी बताया गया है कि अगर किसी भी काम को अगर 21 दिन तक करोगे तो क्या वो तुम्हारी आदत बन जाती है और वही आसानी से हो जाता है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सरल चीज़ हमेशा सक्सेस नहीं दिलवाती है, और हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर जो आलस करेगा वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। अगर जो सपने देखते हैं उनके लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और जो सपने पूरे करते हैं उनके लिए सारा दिन भी छोटा पड़ जाता है। रात में हर समय सब जागते हैं और बोलते हैं कि ये आशिक, हर समय जो जागता है वो आशिक नहीं होता है। रात में हर समय जो जागता है वो आशिक नहीं होता है। पैसा और समय में तालमेल बैठाना बहुत ज़रूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ कर तो हम आएंगे, और जबकि लोग कहते हैं गलती करते हैं और पैसा आएगा तो हम कुछ करेंगे, लोग ये गलती ये सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब हम करेंगे। पैसा कहता है तू मुझे आज बचा ले कल मैं तुम्हें बचाऊंगा, और कोई भगवान नहीं है कि आपके साथ ऊपर जाएगा, लेकिन पैसा जब तक साथ है तब तक वो तुम्हें नीचे नहीं गिरने देगा। पैसे जीवन में बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य में क्या है, ये भी एक गुरु शिष्य की एक कहानी है। अब गुरु शिष्य की कहानी है तो आप लोग को सुनना चाहिए, क्योंकि टीचर डे की बात बता रहा हूँ। तो इसमें द्रोणाचार्य की बात बताई गई है, द्रोणाचार्य और एकलव्य की। द्रोणाचार्य केवल अर्जुन को नहीं बल्कि एकलव्य के भी गुरु थे। आज सुन लो कि द्रोणाचार्य क्या थे, अर्जुन के नहीं एकलव्य के भी गुरु थे। एकलव्य बहुत बहादुर लड़का था, वह गुरु द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या सीखना चाहते थे। अब वो क्या करना चाहते, यानी इतना भी बड़ा होशियार था कि वो क्या करता था, गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। इसलिए वो आश्रम में गया और वहाँ पे द्रोणाचार्य जी से कहा कि मुझे धनुर्विद्या सीखना है, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया क्योंकि वो राजकुमारों को शिक्षा में प्रतिबद्ध थे और एकलव्य राजकुमार नहीं था। लेकिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे एकतट होके देखकर ध्यान दिया और उनसे प्रेरणा लेकर एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य के मन में एकाग्रता और गुरु भक्ति के कारण उनके मूर्ति से प्रेरणा ली और धनुर्विद्या सीखने लगा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा कि उसने कहाँ से विद्या सीखी, तो एकलव्य ने कहा कि मैंने आपसे ही गुरु विद्या सीखी है। अब इसमें ऐसा है कि अगर उसमें द्रोणाचार्य ने वचन दिया था कि मैं अर्जुन को ही धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, लेकिन इसमें यह बन जाता, तो इसके लिए उसने बोला कि अगर द्रोणाचार्य ने बोला कि अगर मुझे आप गुरु मानते हो तो मुझे आप गुरु दक्षिणा दो, तो उसने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए। तो एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया और बिना विचारे एकलव्य ने अंगूठा काट के गुरुदेव के चरणों में दे दिया। अब राम की बारी है। अगर इसमें ऐसा होता है कि अगर राम रावण जैसा भाई होता, अगर रावण क्यों हार गया कभी पता है आपको, रावण क्यों हार गया, क्योंकि उसके पास भाई नहीं था। कौन, विभीषण। अगर विभीषण होता तो कभी रावण कभी नहीं हार जाता। राम इसलिए जीत गया क्योंकि उसके पास लक्ष्मण जैसा कौन था, भाई था।
अब कोका कोला कंपनी की बात करते हैं, उसके पहले कोको कोला कंपनी के पहले अब एक बात बता दूँ कि मैं बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि वो कम खाइए, भले गरीब है, ऐसा नहीं बोला हूँ कि गरीब है तो गरीब भी मर जाए, कम खाइए लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूर लेके जाइए। आजकल तो ट्रेंडिंग चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इसमें क्या करते हैं लड़के लोग अपने पापा से पैसा लेके अपने गर्लफ्रेंड को ये दिलाते हैं, वो चॉकलेट यानी जो दिलवाते हैं, अभी इतना कन्फर्म मालूम नहीं, चॉकलेट दिलाते हैं, ये सब दिलवाते हैं, गिफ्ट देते हैं। अब मेरा ये मतलब है कि अगर इकोनॉमिक के अनुसार जो पैसा देता है तो वही उसका मालिक है, तो आप समझिए कि उसका मालिक कौन होगा, पैसे देने वाला कि थर्ड पार्टी। अभी इसमें ऐसा है कि मैं लड़कियों लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर वो कोई अपने पापा के पैसे पे उछड़ रहा है तो उससे दोस्ती न करें, उससे दूर रहें, क्योंकि उनसे ही आपको समझने का एक मौका मिलेगा। अभी एक समय और है कि अगर बच्चे लोग लड़की लोग हॉस्टल जाती है, वहाँ से वापस आती है तो महंगे महंगे घड़ी लेके आती है और महंगे महंगे कपड़े पहन के आते हैं, तो माता लोग को ये समझना चाहिए कि ये सब कहाँ से लाती है। वो पूछती हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारे दोस्त ने दिया। अभी सोचो कि हमारी लड़की के पास इतना ही पैसा है तो कहाँ से एक्स्ट्रा चीज़ कर खर्चा करेगी, तो दूसरा दोस्त कहाँ से उसको एक्स्ट्रा चीज़ देगा। और दूसरा चीज़ इसमें कि पिता लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि पिता लोग से ये कहना चाहता हूँ कि वो जो बच्चे पैसा मांगे तब उनको जितना ज़रूरत है उतना ही भेजिए, अगर ज़्यादा भेजोगे तो उससे बिगड़ने का भी चांस बढ़ जाता है, और फिर बाद में बोलोगे नहीं कि हमारे लड़के को ये किया वो किया, इससे कुछ हुआ नहीं है। अब कोको कोला कंपनी की बात करते हैं, कोको कोला कंपनी क्या है। अब इसमें कोको कोला कंपनी की स्टार्टिंग बता रहा हूँ, जब कोको कोला कंपनी जब स्थापना हुई थी तब पूरे साल में कितना 25 ही बॉटल बेची थी, कितना बेची थी 25 बॉटल। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए आपको कोको कोला दिखने का। इसने ऐसा भी काम किया कि पूरे फिजिक्स को उल्टा कर दिया। फिजिक्स उल्टा मतलब अगर कोई ठंडा बोले मुझे ठंडा चाहिए तो ठंडा मतलब वो क्या बोल दिए थे, कोको कोला। अब इसमें थैंक यू आपसे, आपने इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।